विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स तो हमें बताना है कि इसमें से सबसे रीसेंट यानि कि नए लैंडफॉर्म्स कौन से हैं तो आंसर होगा ए द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स तो ये सबसे रीसेंट फॉर्मेशन हुआ है इन दोनों आ, फिजिकल फीचर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन द पेनसुला प्लाटो इज़ कम्पोज ऑफ तो हमें बताना है कि जो पेनन्ला वाला पार्ट है इंडिया का वो किस टाइप्स के रॉक से बना हुआ है तो एक बार देख लेते हैं कि पेनन्ला प्लाटू है क्या सो अ पेनेंसुला इज अ लैंड मास बाउंडेड बाई सीज ऑन द थ्री साइड्स तो ये देखिए यहाँ पे अरेबियन सी है यहाँ ओशन है और यहाँ बे ऑफ बंगाल है तो so, ये पार्ट जो देख रहे हैं हम ये पेनन्सुलर प्लाटू वाला पार्ट हो गया इंडिया का द पेनसुलर प्लाटो इज कम्पोज ऑफ बी इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स द रॉक्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं इग्नियस सेरेमेट्रिक और मेटामोफिक रॉक्स जब मोल्टन बैग कूल होकर सॉलिडिफ़ाई कर, कर जाएँ तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं जब सेडिमेंट्स बहुत लंबे समय तक एकोमलेट uh, हो जाए तो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं और सभी रॉक्स चाहे वो इग्नियस हो या सेडिमेंट्री अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का मतलब ही होता है चेंज्ड रॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालयाज़ आर स्ट्रक्चरली डैश माउंटेन्स तो हमें बताना है कि हिमालयाज़ माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा है हिमालयस को हम यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं यंग इसलिए क्योंकि रीसेंट है और फोल्ड माउंटेंस इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फोल्ड माउंटेंस वाला है तो ये देखिए अर्थ क्रस्ट पे जब लाइन ऑफ वीकनेस पे स्ट्रेसेस होती हैं दोनों साइड से तो जो अर्थ क्रस्ट है वो बेंड कर जाती है ऐसे तो ये फोल्डिंग हो गई और इस तरह से हिमालयन माउंटेंस का फॉर्मेशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज दैट इज हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज जो हिमालयाज़ हैं इनका सबसे नॉर्थ में जो रेंज है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं उसकी दूसरे नाम्स हमें बताना है तो उसे हम कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज़ देखिए नॉर्थ से साउथ अगर हम हिमालयाज़ के डिवीजनस की बात करें तो हिमाद्री जिसे हम ग्रेट या इनर फिर हिमाचल जिसे मिडल या लेसर हिमालज कहते हैं और फिर सबसे साउथ में शिवालिक्स जिसे आउटर हिमालज कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमाचल तो ये है ए पीर पांजल नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज आर ट्रेडिशनली नोन एज जो हिमालयाज के जो रीजन के बेसिस पे डिविजन्स हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जिनको रिवर वैलीज डिमार्केट करती हैं उनमें से जो पार्ट इंदस और सतलज के बीच में लाई करता है उसे हम ट्रेडिशनली क्या कहते हैं तो ये हैं बी पंजाब हिमालियाज रीजनली हम इन्हें आ, कश्मीर और हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट उसी तरह से सतलज और काली रिवर के बीच में जो पार्ट है उसे कुमाऊँ हिमालयस और जो काली और तिस्ता रिवर के बीच में पार्ट है उसे नेपाल हिमालयस और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट है उसे असम हिमालयस कहते हैं ये हिमालयस के वेस्ट टू ईस्ट रीजन के बेसिस पर डिवीजनस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस इज़ मार्क्ड बाई तो इसका आंसर है बी ब्रह्मपुत्रा नेक्स्ट द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव डिपॉजिट्स ऑफ तो ये है ए एलोवियल्स सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियम का डिपॉजिट्स है और ये फॉर्म्ड है फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स जो कि हैं इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद य ट्रिब्यूटरीज नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट इन्ेबिटेड रिवर आइन आइलैंड इन द वर्ल्ड तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइन आइलैंड है तो रिवर आइन आइलैंड इज आइलैंड इन द रिवर वाटर लेवल कम हो जाता है और डिपॉजिट्स के कारण वहाँ पे आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है रिवर्स में तो ये है रिवराइन आइलैंड तो ये आंसर होगा ए माजुली तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में फॉर्म्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड तो आंसर होगा ए खदर तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स फोर टाइप्स के हैं भाबर तराई भांगर एंड खदर। तो भाबर जो है वो एक नैरो बेल्ट है ए टू सिक्सटीन किलोमीटर वाइट है जिसमें पेबल्स डिपॉजिटेड है और ये शिवालिक्स के पैरेलल है फिर उसके बाद आता है तराई जो कि वेट वेट स्वाम्पी एंड मार्शी एरिया है और नेक्स्ट है भांगर और खदर। तो ये दोनों एलोवियल टाइप एलोवियल सॉइल के ही टाइप्स हैं बाघर जो है लार्जेस्ट पार्ट है और ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है इसमें कैल्शियर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोकली कंकड़ कहते हैं और फिर ये न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स खदर जो कि न्यू एलोवियल का बना है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है और इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए आइडल है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स द छोटा नागपुर प्लाटू तो इनमें से कौन सी रिवर्स छोटा नागपुर प्लाटो रीजन को ड्रेन करती हैं तो ये है ए दामोदर बाकी ये जो सिंध बेटवा केन है और चंबल ये सब सेंट्रल हाईलैंडस को ड्रेन करने वाली रिवर्स हैं नेक्स्ट द डन प्लाटू इज़ अ डैश लैंड तो ये ट्रायंगुलर लैंड है तो आंसर ए होगा ए ट्राइंगुलर तो डेकन प्लाटू जो कि पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है उसका शेप जो है लगभग एक ट्राइंगल की तरह दिखता है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्राइंगुलर नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ रेन इज कॉज बाय वेस्टर्न घाट्स तो वेस्टर्न घाट जो है वो किस टाइप का रेनफॉल कॉज करते हैं तो ये होगा ए ओरोग्राफिक तो ओरोग्राफिक रेन को हम आ, रिलीफ रेन भी कहते हैं ये कॉज होती हैं जब कोई फिजिकल फीचर इनके सामने बैरियर की तरह आ जाए तो जो मॉइस्चर मॉइस्चरलेटर विंड है उनके सामने वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं और विंड्स जो हैं मॉइस्चर वाली विंड्स वो राइज करती हैं अवव अवव जाने के बाद वहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और जब क्लाउड्स सेचूरेट हो जाती हैं तो दोबारा से वहाँ रेनफॉल होता है तो किसी फिज़िकल फीचर के कारण होने वाले रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं और वेस्टर्न घाट्स जो हैं ओरोग्राफिक रेन कॉज करते हैं अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स तो वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है आंसर है ए अनाईमुड़ी डोडा बेटा भी प्रोमिनेंट पीक है वेस्टर्न घाट्स का और महेंद्र महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक है और माउंट एवरेस्ट तो पता ही है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक नेक्स्ट द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेन एन प्लाटो इज नोन एज जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है पेन एन प्लाटो का उसे हम क्या कहते हैं तो ये है ए दंट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन डिजर्ट रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो डैश एम एम ईयर तो जो इंडियन डिजर्ट्स हैं वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है तो हमें बताना है कितना कम तो बिलो ए वन फिफ्टी एम एम इस वजह से वहाँ पर वेजिटेशन कवर भी बहुत ही कम है नेक्स्ट विच इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डिजर्ट तो इंडियन डिजर्ट में पाई जाने वाली uh, सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो so ये है ए लूनी नेक्स्ट बारचंस कैन बी फाउंड इन तो सबसे पहले कि बार्जेंस होते क्या हैं तो बार्जेंस जो है सैन ड्यून्स का टाइप है और सैन ड्यून्स क्या है दे आर एक्चुअली हिल्स ऑफ सैंड तो सैंड जो है एकोमिलेट हो जाता है और छोटे हिल के शेप जैसा लगता है तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स तो बारचंस जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं तो ये है ए जैसलमेर में तो बारचंस जो हैं वो क्रिसेंट शेप्ड होते हैं यानी कि मून शेप्ड होते हैं उसी तरह से लॉन्गिट्यूडल ड्यून्स जो हैं वो दे कैन बी फाउंड एट इंडो पार्क बॉर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन सदर्न स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड जो वेस्टर्न कोस्ट का साउथ वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं तो ये है सी मालाबार कोस्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है जो मुंबई गोवा रीजन में है उसे कोंकण सेंट्रल पार्ट को हम कन्नड़ और जो सदर्न पार्ट है वो मालाबार कोस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है इंडिया का तो ये है ए लेक चिल्का ये उड़ीसा में है लोकेटेड लेक वुलर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है लेक सांभर जो है लार्जेस्ट इन लैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया इन लैंड मतलब विद इन द टेरिट्री और जो लेक चिल्का है वो कोस्टल लेक कह सकते हैं लगून लेक है कोस्ट समुद्र के तट पे होने वाले फिनोमिना से ये बनते हैं लगून लेक्स तो लेक चिल्का एक लगून लेक है तो लेक चिल्का उड़ीसा में लेक वुलर जम्मू एंड कश्मीर में और लेक सांभर राजस्थान में इन विच ईयर लैकादीव मिनी कॉय एंड अमीनदीव वर नेम्ड एज लक्षद्वीप तो किस ईयर में इनको लक्षद्वीप इनका नाम रखा गया था तो ये है नाइनटीन सेवेंटी थ्री ए नेक्स्ट विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंसड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में किस टाइप का क्लाइमेट होता है तो ये है एक्वेटोरियल क्लाइमेट क्योंकि ये इक्वेटर के क्लोज हैं और इस वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते ये वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है नेक्स्ट वेयर इज इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल तो इंडिया का एक्टिव uh, वॉल हमें बताना है कहाँ पे तो ये है ए बैरन आइलैंड नेक्स्ट विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज कम्पोज ऑफ़ कोरल आइलैंड तो कौन सा आइलैंड ग्रुप इंडिया का कोरल आइलैंड से बना हुआ है तो ये है ए लक्षदीप नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो हिमाचल लेसर हिमालयाज यानी कि हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में लाइक करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं तो इन्हें हम दूंस के नाम से जानते हैं तो डी दूंस जैसे कि देहरादून पतली डून एंड कोटली डून नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ आर द फेमस वैली ऑफ कश्मीर कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड तो हमें बताना है कि हिमालय के कौन से डिवीज़न में ये जो फेमस वैलीज हैं कश्मीर कांगड़ा और कुल्लू लोकेटेड हैं तो ये है हिमाचल बी हिमाचल में नेक्स्ट विश टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स तो हमें बताना है कि वो कौन सी हिल्स हैं जो वेस्ट ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में लोकेटेड हैं तो ये हैं बी जवाडी हिल्स एंड सीव रॉय हिल्स नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इस पेरीनियली स्नो बाउंड तो हमें बताना है कि हिमालय का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर सालों भर बर्फ पड़ी रहती है पेरीनियली स्नो बाउंड तो ये है ग्रेट uh, हिमालयाज और हिमाद्री जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं हिमालयाज के जैसे कि माउंट एवरेस्ट एंड के टू वो सब इसी पार्ट में है नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मार्क्स तो हमें बताना है कि कौन से डिविजन में uh, सबसे पुराना लैंड मार्क्स है तो ये है सी द पेनेंसुलर प्लाटू नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लन एग्जिस्टिंग बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स इज नोन एज जो प्लेन जो घाघर और तस्ता रिवर के बीच में लोकेटेड है उसे हम क्या कहते हैं ए द गंगा प्लेन पंजाब प्लेन इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम चेना अबरावी ब्यासिन सतलज वहाँ पर और ब्रह्मपुत्रा प्लेन असम में नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ तो हमें नॉर्दर्न प्लेन कितने एरिया में है ये बताना है तो ये है ए सेवन लैक स्क्वेयर किलोमीटर So, in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Geography's second chapter, which is the physical features of India. So, if you like like, comment, share, and subscribe. Zarur Thanks.